अब मैं बात करूंगा इससे अगला कदम पाकिस्तान बन गया मुश्किल से आप इंट्रोड्यूस हो गए अब सिर्फ देखना ये है कि ये जो आइन है पाकिस्तान का ये किस तरह बनता है देखिए आइन किसी भी जदीद रियासत के लिए आइन का होना जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है देखिए ना अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहें या एक्सप्लेन करना चाहें हम सुनते हैं मतलब आजकल हम कहते हैं नाइनटीन सेवेंटी थ्री का कॉन्स्टिट्यूशन ये आजकल नाफिज है चल रहा है सवाल ये कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है वट इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुनियादी कवानी और असूलों का मजमु होता है किसी मुल्क के कुछ बुनियादी कवानी होते हैं कुछ बुनियादी असूल होते हैं उनको आप तहरीरी शक्ल में लाते हैं उनको तहरीर करते हैं उन बुनियादी कवानी और बुनियादी असूलों में आप ये फ़ैसला करते हैं कि जो मुख्तलिफ शोबे हैं हकूमत के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं ऑर्गन्स ऑफ़ गवर्नमेंट्स हैं उनका आपस में रिश्ता क्या होगा इंतज़ामिया किस तरह काम करेगी सदर क्या काम करेगा वज़ी अजम क्या काम करेगा पार्लियामेंट क्या काम करेगी सूबे क्या काम करेंगे आप मुख्तल जो हकूमत के रियासत के अदारे होते हैं उन अदारों के इख्तियार डिफ़ाइन करने के लिए एक तरीकाकार जो है वो आ, बनाते हैं आपकी राइट्स क्या हैं हकूक़ क्या होते हैं क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं आपका रिश्ता रियासत से किस तरह डिटरमिन होता है ये जो सारा असूल का खाका जो है इसको हम आ, जो है वो आइन कहते हैं यानी बुनियादी असूलों का मजमु जिसमें मुख्तलिफ अदारों के और आपस के ताल्लुक और आम लोगों के हकूक़ फंडामेंटल राइट्स वो क्या हैं यानी किस मुकाम पर हकूमत को आप रोक सकते हैं कि देखिए आपका हक नहीं है क्योंकि आइन में ये इख्तियार आपको नहीं दिया गया वो होता है इसको हम कहते हैं बुनियादी कवानी और बुनियादी असूलों का मजमू वो है आइन और आइन जो है वो हमेशा मुश्किल होता है तब्दील करना देखिए असम्बलियाँ आम कानून बनाती हैं मसला यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए आपको प्रोविंशल असम्बली अगर ये प्रोविंशल यूनिवर्सिटी है तो उसके लिए आपको एक लॉ की ज़रूरत होती है जिसको यूनिवर्सिटी एक्ट कहते हैं और वो सूबाई इसम्बली मंजूर करती है अगर फेडरल यूनिवर्सिटी है मतलब कायद अजम यूनिवर्सिटी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है फेडरल यूनिवर्सिटी का मतलब यह है कि पार्लियामेंट वो एक लॉ पास करती है जिसको हम यूनिवर्सिटी एक्ट कहते हैं तो ये है ऑर्डनरी लॉ ऑर्डनरी लॉ आम लॉ को आप सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बली में मंजूर मंजूर कर लेते हैं यह आम कानून है लेकिन जो आइन होता है वो आम कानून से मुख्तलिफ होता है उसको आप आसानी से तब्दील नहीं कर सकते आम तौर पे आइन को तब्दील करने का तरीका मुश्किल होता है आम कानून तो सिंपल मजॉरिटी से हो जाता है लेकिन जब आप आइन में तब्दीली करना चाहते हैं तो वो फिर आम तौर पर ज़्यादा चाहिए टू थर्ड कम अज़ कम मजारिटी होगी तब आप आइन को बदल सकते हैं क्योंकि फ़र्क ये है आम कानून यह है बुनियादी कानून बस जो बुनियादी कानून है उसको हमेशा आप मुश्किल से तब्दील करते हैं और इसमें आपकी ज़्यादा एफर्ट जो है वो जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है तो आईन जो है वो किसी मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आइन ही की बुनियाद पर अदारे बनते हैं और आइन ही के फ्रेमवर्क में दूसरे कवानी बनते हैं मसलन आप अदालत में पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स में सुबाई हाई कोर्ट्स हैं और आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी आम कानून को आप चैलेंज कर सकते हैं कि इस कानून जो आम कानून आपने बनाया है ये आइन की फला दफा से मुतसादम है और अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ तसादम है तो आम कानून ख़त्म हो जाएगा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हुकूमत से कहेंगे कि इस आइन को इस तरह इस कानून को इस तरह बदल लो फिर ये तसादम ख़त्म हो जाएगा फिर आप इस पे अमल करते हैं तो यानी बुनियादी हैसियत जो है वो आइन की है और उसकी रोशनी में आप आम कवानीन बनाते हैं तो इस तरह आप ये कहिए कि आइन को फोकियत होती है आइन को तरजीह होती है आम कानून के ऊपर और बगैर आइन के कोई जदीद रियासत काम काम नहीं कर सकती अब अगर पाकिस्तान के तजर्बे को इसकी रोशनी में देखें तो पाकिस्तान की जो आइन साजी की हिस्ट्री है यानी आइन को बनाना ये तारीख काफी तवील है और इसमें बहुत मुश्किलें आई हैं पाकिस्तान को आइन बनाने में और इसमें कई दो तो आपके अबूरी आइन हैं, है जब इंडिपेंडेंस मिलती है अभी हम 47 की हम बात कर रहे थे जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो एक अबूरी आइन बना हिंदुस्तान ने भी एक अबूरी आइन था तकरीबन वही आइन वो असल में था कि आपको सिर्फ इतला के लिए इस पर ज़रूरी नहीं है आप इसको याद रखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1935 का एक नाफज किया था 1935 में उसको पाकिस्तान का पहला आ, आ, जो है इंटैरम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब्दीलियों के साथ इसी तरह हिंदुस्तान ने भी अपना पहला अबूरी आइन बनाया उसमें तब्दीलियों के साथ तो पाकिस्तान में एक उन्नीस में अबूरी आइन आया था और एक आइन उन्नीस में अबूरी आइन आया है पाकिस्तान का जो है उसके अलावा जो पाकिस्तान के रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो तीन हैं पहला उन्नीस का 1956 का वो पहला जो है वो आइन था जिसका अभी मैं तस्करा करूंगा दूसरा था उन्नीस का उन्नीस में दूसरा पाकिस्तान का आइन आता है और तीसरा पाकिस्तान का रेगुलर परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन उन्नीस का है जो आज भी नाफज है तब्दीलियों के बाद तो 56, 62 और अब है 73 का आइन जिसमें तब्दीलियाँ हुई हैं ये हुई हैं तब्दीलियाँ लेकिन अब भी 73 का आइन है उसके अलावा आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ भी लगे रहे हैं मार्शल लॉ की हुकूमत भी पाकिस्तान में रही है चार दफ़ा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा है तो मार्शल लॉ के दौर में या तो आइन ख़त्म हो जाता है या आइन के कुछ हिस्सों को मत्ल कर दिया जाता है यानी एक तरह आइनी तरक्की का अमल जो है वो रुक जाता है कुछ अरसे के लिए वो भी हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि चार दफ़ा मिलिट्री की हुकूमत आई है तो जब मिलिट्री की हुकूमत आती है तो आइन को कुछ अरसे के लिए या तो ख़त्म कर दिया जाता है या यातल कर दिया जाता है पाकिस्तान में दोनों चीज़ें जो हैं वो हुई हैं तो इस तरह आप ये कहिए कि पाकिस्तान में आइन सजी का अमल आहिस्ता आहिस्ता चला है स्लो चला है मसा देखें ना नाइनटीन में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 47 सेवन में आज़ादी के बाद हमने ये देखा पाकिस्तान में हमने ये देखा कि ये आइन जो है जो है 47 सेवन से पहला आइन फिफ्टी सिक्स में बना फिफ्टी सिक्स में जो है वो बनता है उसके बाद फिर जो है सात साल लगे नौ साल लगे दूसरा आइन सिक्सटी टू का है और तीसरा आइन जो है वो 73 का है तो ये वो आइन तीन बने हैं